राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करो तो सुना दो क्या अंतर है तैयार हो तो भाई एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षाएं आप लोगों की खत्म हो चुकी है, आप सभी को पता भी है। अब मैक्सिमम बच्चा जो दिमाग में डाउट हो डाउट क्या भाई आंसर की कब आएगी, परीक्षाएं तो खत्म होगी अब आंसर की कब आओगी, सेफ स्कोर कितना रहोगा, सारा यूट्यूब का ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा अभी 3-4 दिनों तक जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक इसी टॉपिक के ऊपर उलट रहा होगा, सारे नर अपने पंख फैलाई बैठे हैं कि आंसर की कदा होगी, मादा बिचारी न्यारी पसरी बैठी है कि आंसर की कदा होगी। तो इन सारी चीजों का है संपूर्ण इलाज 33 वीडियो का मिल जाए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी कब आंसर की आएगी, सेफ स्कोर कितना रहा भाई, अगर आपने कितने परसेंट अटेम्प्ट करे उसके हिसाब से आपका स्कोर क्या रहेगा, सारी चीजें बताई। देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो लाइक एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस या और भी कोई जैसे रेलवे के एग्जाम किसी भी एग्जाम के तो आप लोगों को पता है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट की एक अपनी अलग अहमियत होती है। और अड्डा 247 जो आपका ऐप है भाई ये आपके लिए प्राइम डे के नाम से स्पेशल सेल लेके आया है, इसके अंदर आपको टेस्ट प्राइम के नाम से एक सेल है जिसके अंदर आपको मतलब कि ये समझो कि एक दिन का 1 रुपए से भी कम दाम के अंदर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाए। आपको पता देखो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट और नए प्रैक्टिस सेट हर एक जो भी कोई टॉपर बच्चा हो यूज करे अगर अपनी तैयारी के अंदर, ठीक है। तो आप 500 प्लस एग्जाम 50,000 प्लस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 500% आपको रिफंड भी मिल जाएगा, यानी जितने के आप ये लोगे उससे क्या 500% का आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको कैपिटल अक्षर के अंदर MOH77 कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको 62-63% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड यूज करने के बाद इस टेस्ट सीरीज के ऊपर पे, ठीक है। अड्डा 247 प्राइम डे सेल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है इसको चेकआउट मार सकता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई अब आ जाओ तो ये भाई एसएससी का पैटर्न है, अभी अभी जो इस साल जो एसएससी के एग्जाम हुए भाई उन सब के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कब आपकी आंसर की आ सकती है और कितना क्या कुछ मटेरियल है। देखो भाई सीपीओ की आपकी परीक्षाएं हुई भाई 27 28 और 29 जून को, भाई 3 दिन तक भाई आपके एसएससी सीपीओ की परीक्षाएं चली, 5 जुलाई 2024 को आपको आपकी आंसर की आई, यानी कि टोटल आपका 6 दिन का गैप आया था, यानी कि 6 दिन के बाद आपकी आंसर की आ गई थी। सीएचएसएल की भाई 1 से 11 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं चली है, 18 जुलाई को आपको आंसर की आपकी आंसर की, वैसे तो 7 दिन बनने लग रहे हैं लेकिन 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 एसएससी का एक सिद्धांत होता है कि संडे वाले दिन को है वो स्किप मारते, संडे वाले दिन की छुट्टी होती है तो यानी वैसे तो 7 बनने लग रहे थे लेकिन 6 दिन के अंदर ही आंसर किया है क्योंकि 14 तारीख का संडे था 14 जुलाई का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीजीएल की, 9 से 26 सितंबर तक परीक्षाएं चली थी, 3 अक्टूबर 2024 को आंसर की आई थी, इसके अंदर भी आप अगर दिन फड़ाओगे तो 7 दिन बनेंगे लेकिन 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 वही आपका 29 सितंबर का संडे था, ठीक है। तो इसकी वजह से 6 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आपकी आ गई थी। अब बात करते हैं एमटीएस की, 14 नवंबर को लास्ट पेपर आया था लेकिन 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 14 नवंबर को लास्ट पेपर नहीं था, क्यों, क्योंकि एक जगह थी जहां का पेपर कैंसिल कर दिया था एसएससी ने और वो पेपर अब 19 तारीख को है, 19 नवंबर को उन बच्चों का पेपर होना है और वो पेपर एसएससी ने कैंसिल कर दिया जिनका 14 तारीख वहां पर कुछ गड़बड़ी थी या टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो भी थी, तो वो पेपर 19 तारीख को होना है। तो आप जो आंसर की गए जो दिन है 14 नवंबर के हिसाब से नहीं, हम लोग अब 19 नवंबर के हिसाब से फड़ाएंगे। अब कैलेंडर को निकालो भाई, अपने अपने फोन ना हमें तमाम तारीख कैलेंडर काट लो। अब देखो आपको दिखाता हूं, ये आपने निकाल लिया कैलेंडर भाई, ठीक है। 19 नवंबर का क्या है, मंगलवार है, उसको छोड़ दो, 20 21 22 23 4 दिन हो गए, 24 का संडे है, 25 26 भाई, तो आपकी जो आंसर की है ना भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 26 नवंबर को आपकी आंसर की आएगी, 26 नवंबर 2024 को भाई एसएससी एमटीएस की आंसर की आई है, समझो 99.99999% कोई 0.1 कुछ मान लो गड़बड़ होगी ऊंची नीच होगी तो अलग केस है, बाकी 26 नवंबर 2024 को आपकी आंसर की 100% आ जाएगी, ठीक है, एज पर एसएससी पैटर्न। पैटर्न देख रहे हो, खुद दिमाग लगा लो, इतनी तो चीज तारा भी दिमाग चलता होगा, ठीक है, इतना चला लो दिमाग अपने आप चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी कि हाँ भाई 26 नवंबर को आंसर की आपकी 100% आ जाएगी। अब दूसरी चीज जो इतना चलते, अब बात करते हैं भाई सेफ स्कोर कितना रहेगा, जी सेफ स्कोर तो बताओ सेफ स्कोर कितना रहेगा। देखो भाई सेफ स्कोर बताने को मैं कितना ही बता सकता हूं, जैसे 2023 के अंदर है, 2023 के अंदर जिसके 132-134 नंबर थे इसके आसपास, ठीक है, वो सेफ जोन के अंदर था, ठीक है। लेकिन भाई हम चीजों को यही नहीं समझे कि अब की बार भी 132 होते, पिछली बार वैकेंसियां भी कम थी, अब की बार वैकेंसी भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा है, लेकिन लेकिन लेकिन
सीजीएल के अंदर भी सेम चीजें थी। सीजीएल के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले साल भाई आपकी करीबन 8000 के करीब वैकेंसी थी और आपके फॉर्म भी मतलब ठीक से भरे गए थे, मतलब वही 30-35 लाख जितने भरे गए थे उतने भरे गए थे। कट ऑफ गई थी आपकी 150 नंबर पे परी की। अब की बार सीजीएल के अंदर सेम सिस्टम है, अब की बार सीजीएल के अंदर मतलब वैकेंसी ज्यादा है, 17,000 से 18,000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। फिर भी जो अभी आंसर की गई बिहार पे जो कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाने लगे वो वही 142-143 मतलब 143-144 के आसपास अंदाजा लगाया जाने लग रहा है। मोटा मोटा भी समझो सिर्फ 4 से 5 नंबर का फर्क आया था, वो भी क्योंकि वैकेंसियां आपकी डबल से भी ज्यादा थी। इस वजह से अब की बार वैकेंसी आपकी डबल से ज्यादा नहीं है, मतलब ये समझो ज्यादा है लेकिन डबल से ज्यादा इतनी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो पिछली बार जो आपकी गई थी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लगभग इसके आसपास, ठीक है, लगभग इसके आसपास, लगभग अगर आपका इसके आसपास अगर आपका स्कोर है, इसके आसपास अगर आपका स्कोर है, ठीक है, आप ये समझो 2 या 3 नंबर डाउन हो सकता है, लेकिन हम इसको ही एक बार के लिए बेस। वैसे देखो भाई आंसर की के आए बिना कट ऑफ बताना मैं सबसे बड़ी मूर्खता मानता हूं, कि अगर आप बिना आंसर की के कह दो कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी तो सबसे बड़ी मूर्खता है। कट ऑफ हमेशा आंसर की आने के बाद ही बतानी चाहिए कितनी जा सकती है, क्योंकि भाई देखो अब मान लो आप ये एग्जाम दे के आओ, आप एग्जाम दे के आए, मान लो मैं दे के आया तो मैं माना पेपर का मैं अंदर से बाहर निकलो ना, तो मैं मेरे को ऐसा लगा हाँ मेरे तो जितने अटेम्प्ट करे मेरे सारे सही हैं, हर किसी को लगता मेरे को नहीं। अगर आप भी दे के आए हो तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई मेरे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मेरे सारे सही, ठीक है। उसके बाद 2-3 दोस्तों से डिस्कस करोगे, दोस्त ना भाई इसका तो आंसर ये आएगा, आप ना यही आएगा, फिर आप गूगल पे चेक करो ये दोस्त वाला आंसर ठीक मिलेगा, फिर आपका एक गलत दो गलत, घर तक आओगे बस के अंदर ट्रेन के अंदर किसी भी अंदर बैठे बैठे आपको लगेगा ओ भाई 2-3% और गलत हो गए, 2-3 और गलत हो गए, आपके अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, शरीर के अंदर पसीने आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। घर तक आओगे आपका जहां पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था वहां पर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो चुके होंगे, जारी समझ में। उसके बाद भी छोटी मोटी मिस्टेक भी सिली मिस्टेक भी होती है, मान लो आपने दिमाग के अंदर आंसर टिक रहा था बी ऑप्शन के, गलती से टिक हो जाए सी पर, छोटी मोटी सिली मिस्टेक भी होंगी। तो सारे फैक्टरों को मानते हुए कि जितने आप एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आते हो उसके अंदर से ये समझो कि आप 12 से 13% तो आप गलत करते ही करते हो एवरेज, ज्यादा ही अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो मतलब कि समझो 8 से 10 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो आप जितने अटेम्प्ट करके आए ना उसके अंदर से इतने इतने तो घटा दो डायरेक्ट ही, इतने इतने तो आपके एवरेज गलत मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा ही होशियार हो ज्यादा एक्यूरेसी तब मैंने बताया 8 से 10% तो फिर भी गलत मिलेंगे ही मिलेंगे, हर किसी के मिलते हैं, आपको ईद के चांद नहीं हो, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई मैं आपको बताने लग रहा हूँ, इस हिसाब से अपना एक बार के लिए अंदाजा मार सकते हो जो पैटर्न है उसके हिसाब से बताने लग रहा हूँ कि 132 से 134 के बीच में है या इससे प्लस बनता तो आप अपने आपको सेफ जोन के अंदर समझ सकते हो, ठीक है। अगर जो मतलब बढ़िया जो अगर आपको एक्यूरेट चाहिए भाई कितना बन सकता है लगभग लगभग आप लोगों ने देखा हुआ सीजीएल की कट ऑफ मैंने बताई थी अब की बार 2024 वाली सेम टू सेम 2 दिन बाद जो शुभम सर को आप मानते हो कट ऑफ के देवता, ठीक है, उन्होंने भी सेम कट ऑफ बताई थी, चेक कर लेना वीडियो के अंदर और डेट तक चेक कर लेना मैंने कब डाली थी सर ने कब डाली थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं कि 132 से 34 के आसपास फिलहाल के लिए बताने लग रहा हूं, क्योंकि अभी आंसर की के बिना बताना गलत चीज है भाई, ठीक है। सिर्फ आपका मन जो सेटिस्फाई हो जाए, मन ठुक जाए कि हाँ भाई हमारे इतने के नंबर है, तो लगभग इतने वाला जनरल कैटेगरी की बात है कि वो सेफ जोन में है, 1-2 नंबर और ऊपर नीचे है वो आप आंसर की आने के बाद पता लगेगा भाई 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतने वाला लगभग अपने आपको सेफ समझे। तो भाई ये इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी कि भाई क्या कुछ रहेगा, आंसर की आने के बाद आपको अपडेट दी जाएगी। अगर आपको आंसर की अपडेट चाहिए पल पल की तो आप अपना टेलीग्राम चैनल @JKTT छोटे अक्षर में RJT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 1,98,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी पाओगी, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं, वहीं पर आपको अपडेट भी मिल जाएगी कब इसकी आंसर की आएगी और सेफ स्कोर भी कितना रहेगा, ठीक है भाई। सारा राम राम, धन्यवाद, लड़ना ले लो, खेजो फटाफट।